और पर्सनल होम पेजेस या प्री प्रोसेसर हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, अब ये एक बड़ा इशू है कि पीएचपी स्टैंड फॉर क्या है इसमें, वो प्री प्रोसेसर हाइपरलिंक तो हो गया एक भी, प्री प्रोसेसर हाइपर टेक्स्ट इसको बोलते हैं, लेकिन ये एब्रिवेशन प्री पर्सनल होम पेजेस है, ठीक है। वैसे ये प्री प्रोसेसर हाइपर टेक्स्ट है। अच्छा, अब इसमें होता क्या कि पीएचपी के को रन करने के लिए हमें सर्वर चाहिए होता है, सर्वर के बगैर नहीं रन होती। हम पहले जो हम काम करते थे जावास्क्रिप्ट का, वो डायरेक्टली रन हो जाता है। पीएचपी को या एएसपी वगैरह लैंग्वेजेस को हमें रन करना है तो जब तक सर्वर नहीं होगा, सर्वर के बगैर ये एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। इसका मतलब हमें लोकल सर्वर चाहिए, अपाची सर्वर चाहिए, ठीक है ना। हम बार बार अपलोड करके तो नहीं चेक कर सकते, तो लोकल सर्वर हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे सॉफ्टवेयर एक इंस्टॉल किया हुआ है, दो किए हुए हैं, एक है वैम्प सर्वर, ठीक है, और एक है वर्ड्रिगो, दोनों सर्वर हैं। जैम्प भी वही है। अब होता क्या कि वैम्प का मतलब है, इसके लिए चार चीज़ें चाहिए होती है ना पीएचपी को रन करने के लिए। एक आपको प्लेटफॉर्म चाहिए कि कौन सी विंडो पे चल रहा है, एक अपाची सर्वर चाहिए, एक पीएचपी चाहिए और एक MySQL चाहिए। तो वैम्प स्टैंड्स फॉर W फॉर विंडो, A फॉर अपाची, M फॉर MySQL, P फॉर PHP। अगर आप विंडो के एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं तो वैम्प यूज़ करना है। अगर आप लिनक्स पे काम कर रहे हो, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, हर प्लेटफॉर्म पे चल जाती है, तो लैम्प चाहिए, LAMP, लिनक्स, अपाची, MySQL, PHP। अगर आप मैक पे काम कर रहे हो एप्पल पे, तो मैम्प सॉफ्टवेयर है, मैक, अपाची, MySQL, PHP। अगर आपने कोई जनरल यूज़ करना जो सब पे चल जाए, तो ज़ैम्प करना है, ज़ैम्प सब पे चल जाता है, XAMP। तो चीज़ें चारों एक ही हैं, सिर्फ प्लेटफॉर्म के हिसाब से सॉफ्टवेयर के नाम चेंज है। हमारे पास विंडो है तो आप वैम्प इंस्टॉल कर लो, ठीक है। अदरवाइज वर्ड्रिगो में भी मैं दोनों यूज़ कर रहा हूँ, तो हम कर लेते हैं वैम्प पे काम कर लेते हैं। वैम्प पे कर लेते हैं ताकि ना आइडिया हो जाए। वो चीज़ दोनों पे काम करने का तरीका कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ सॉफ्टवेयर डिफरेंट है। अच्छा, वैम्प या वर्ड्रिगो या ये जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, वहाँ अगर प्रॉब्लम करते हैं ना इंस्टॉल होते वक्त, तो वो प्रॉब्लम होती है स्काइप, ठीक है ना। स्काइप 80 पोर्ट है, वैम्प भी 80 पोर्ट पे होता है, तो वो एरर कन्फ्लिक्ट हो जाता है, या एंटीवायरस भी समटाइम करता है, वो भी 80 पोर्ट पे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपने सबसे पहले ना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना है। सॉफ्टवेयर जैसे मेरे से सॉफ्टवेयर आपके पास है, अगर नहीं है तो मैं आपको यहाँ से ना ज़ैम्प कर लो बेशक, ठीक है। तो ये पीएचपी के सॉफ्टवेयर्स पड़े हैं, इसमें मेरे पास वर्ड्रिगो भी पड़ा हुआ है, वैम्प भी पड़ा हुआ है, ठीक है। वैम्प छोटा सा सॉफ्टवेयर है, डाउनलोड करना है, इंस्टॉल कर लेना या मेरे से ले लेना। इंस्टॉलेशन के दौरान सिंपल सी इंस्टॉलेशन है, 3-4 स्टेप पूछेगा, वो इंस्टॉल कर दें, ठीक है। एक जगह सिर्फ वो पूछेगा कि आपने इसको किस ड्राइव पे इंस्टॉल करना है, सी ड्राइव पे, लोकेशन पूछता है ना, तो उस पे आपने वो वाली ड्राइव बतानी है जो सबसे ज़्यादा सिक्योर है। लाइक सी ड्राइव सिक्योर नहीं होती, उसमें विंडो होती है, विंडो करप हुई तो आपको फॉर्मेट करना पड़ जाता है। आपने ऐसी ड्राइव पे इंस्टॉल करना है जो सबसे ज़्यादा सिक्योर है, जिसमें कोई मसला ना हो। उसकी वजह क्या होती है कि जहाँ पर आपने वैम्प को इंस्टॉल किया होता है ना, वहीं पर आपने प्रोजेक्ट रखने होते हैं। तो अगर सी में मैंने इंस्टॉल किया तो मुझे यहीं पे रखने पड़ गई, और मेरी सी ख़राब हो गई तो मेरे तो प्रोजेक्ट्स दे सारे, ठीक है ना। तो आपने ऐसी जगह पे वैम्प को इंस्टॉल करना है जहाँ पे आप प्रोजेक्ट्स रखेंगे और प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जब आप लोकेशन बता के इंस्टॉल कर लोगे तो एक वैम्प का फोल्डर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब वैम्प का फोल्डर भी आ गया, इंस्टॉलेशन भी पूरी होगी। अब हमने इसको चेक करना है कि रन भी हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो आपने इंटरनेट एक्सप्लोरर पर जाना है। यहाँ पे आप लिखो लोकल होस्ट, लोकल होस्ट लिखोगे तो यहाँ पे वैम्प का एनवायरनमेंट आ जाएगा, ठीक है। अगर वो वैम्प का एनवायरनमेंट नहीं आता, इसका मतलब कोई इशू है। उसका इशू क्या है कि रन नहीं हुआ हुआ। जब आप वैम्प इंस्टॉल करते हैं ना, तो उसको रन करना होता है, स्टार्ट करना होता है। तो मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया, तो अब मैंने जो इंस्टॉल किया हुआ यहाँ से जाके, या वर्ड्रिगो है या जो भी है, उसको आपने इधर उसका ना एक आइकन होगा स्टार्ट वैम्प सर्वर, स्टार्ट पर क्लिक करो, यहाँ पे उसका आइकन आ जाएगा, ये स्टार्ट का, ये रेड है, ये वाइट हो जाएगा। अभी वाइट हो गया तो इसका मतलब है इंस्टॉलेशन प्रॉपर है। सर्वर ऑफलाइन लिखा हुआ है तो ये ऑफलाइन ही रहना चाहिए, ऑनलाइन नहीं करना। बाद स्टूडेंट कहते हैं सर हम ऑनलाइन कर रहे थे, ऑनलाइन ही नहीं हो रहा, तो ऑफलाइन ही तो काम कर रहे हैं हम, तो ऑफलाइन ही होना चाहिए ना, ऑफलाइन सर्वर यूज़ कर रहे हैं। ऑनलाइन की ऑनलाइन करना ही नहीं है इसको हमें, ऑनलाइन के लिए तो अपने जब मिलेंगे दूसरे। अब इसको रिफ्रेश करो, लोकल होस्ट चलाओ, तो अब वैम्प आ गया, क्योंकि मैंने उसको स्टार्ट कर दिया हुआ, ठीक है। अब इसमें दिखा रहा है अपाची का फाइनल वर्जन इंस्टॉल है, पीएचपी का फाइनल वर्जन इंस्टॉल है,
MySQL का फाइनल वर्जन इंस्टॉल कर दिया इसने, वो तीन चीज़ें इंस्टॉल कर दी हैं, अपाची सर्वर, PHP, MySQL और विंडो वैम पूरा हो गया। ठीक है, यही इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी शो करा रहा है अपाची इंस्टॉल है, PHP इंस्टॉल है, MySQL MySQL डाटाबेस है। ठीक है, दोनों को होना ज़रूरी है। हाँ, दोनों को होना ज़रूरी है। अच्छा, अब इसके अंदर यहाँ पर आ रहा है योर प्रोजेक्ट्स, जो आप प्रोजेक्ट्स बनाएंगे ना उनकी लिस्ट यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर कैसे आती है, जहाँ पे आपने वैम्प को इंस्टॉल किया हुआ है, वैम्प में जाओ, इसकी किसी फाइल को डिस्टर्ब नहीं करना क्योंकि इसी से चल रहा है ये सारा। www में जाना है, यहाँ पे आपने अपने प्रोजेक्ट्स रखने हैं वैम्प में, www में। जैसे यहाँ पे जाके हम एक अपना फोल्डर बना लेते हैं, क्या रखे नाम है, लाइक PHP लेक्चर। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे फोल्डर रखा है, यहाँ पे जाके इसको रिफ़्रेश करो तो यहाँ पे वो PHP लेक्चर्स का फोल्डर आ गया, वो वहीं से चल रहा है। ठीक है ना, अगर वहाँ पे नहीं रखोगे तो ये चलेगा नहीं। क्लियर हो गया। अच्छा, अब आप इस पर क्लिक करें तो अभी इसके अंदर कुछ नहीं रखा इसलिए नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आप किसी और डायरेक्टरी पर क्लिक करोगे तो इसकी फाइलें जो भी यहाँ पर चल जाएंगी। ठीक है ना, प्रोजेक्ट में जब जो बने बनाए हुए हैं प्रोजेक्ट, उनकी वो लिस्ट आ जाएगी जो जो हमें पड़ा होगा। ऐसे हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर जो जो पड़ा होगा वही चलेगा। क्लियर हो गया। अब मैं इतना काम करने के बाद अब PHP की फाइल रन करता हूँ। PHP की फाइल बनाते हैं हम जाके, अब PHP में जाने के बाद आपने PHP में जाना, HTML में नहीं जाना। ठीक है, उससे मसला शुरू हो जाएगा। HTML वाली लेकिन काम सारा Dreamweaver में करेंगे, Dreamweaver में करना है आपने। HTML में काम करोगे ना, मसला ये हो जाता है कि HTML में कलर चेंज नहीं करेगा फिर PHP के, और फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए आपने PHP को यूज़ करना है। अब PHP में जाएँ और इसको मैं सबसे पहले तो सेव करता हूँ अपने उसी फोल्डर के अंदर, रैम www PHP लेक्चर्स के अंदर जाके मैं इसको lecture1.php PHP एक्सटेंशन हो। ठीक है, अब यहाँ पे जाके हम इसकी कोडिंग करते हैं। कोड करने का तरीका क्या है PHP का, लेस देन साइन, ग्रेटर देन साइन और इसके अंदर क्वेश्चन मार्क्स PHP, ये इसका ब्लॉक है। इस ब्लॉक के अंदर सारा काम करना है। ब्लॉक के अंदर आपने सारा PHP का काम करना है, जहाँ भी PHP स्टार्ट होती है उसमें करना है। अब अक्सर अब मसला क्या आता है, मैं अभी पहले लेक्चर में ये बताऊंगा कि इसको यूज़ करने का तरीका क्या, मसले हमें कहाँ पे आते हैं। मैंने अब सारी वेबसाइट बनाई है, HTML के अंदर डिज़ाइन सारा कुछ किया हुआ है। ठीक है, अब उसमें किसी एक पोर्शन में मेरा लॉगिन और पासवर्ड का पोर्शन है, सारी वेबसाइट HTML में बनी है लेकिन एक पोर्शन PHP का। ठीक है, तो वहाँ पे आपने ये नहीं कि वेबसाइट को सारी को PHP में बनाना है, उसको HTML में भी बने रहने, तो सिर्फ उस पोर्शन पे जाके आपने PHP का काम कर देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हाँ अगर ये है कि आपकी वेबसाइट के अंदर अगर आपने एक जगह भी PHP की कोई चीज़ करा दी है, बेशक छोटा सा नाम ही प्रिंट कराया, तो उस फाइल की एक्सटेंशन PHP ही होगी तो चलेगा, क्योंकि इसके लिए सर्वर चाहिए होता है ना, फिर HTML एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब जावास्क्रिप्ट के हिसाब से एग्जांपल देता हूँ। जैसे जावास्क्रिप्ट में हम प्रिंट कराते थे, मैंने इस पर प्रिंट कराना है। जावास्क्रिप्ट में कैसे प्रिंट कराते थे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के साथ हम प्रिंट करा देते थे। इसके अंदर आप जो भी लिखोगे फर्स्ट कोड, ठीक है, रन करते हैं अब इसको जाके, लोकल होस्ट PHP लेक्चर्स, ठीक है, lecture1.php या डायरेक्टली आप ऐसे लिख लो। अब जब मैं lecture1.php पे आया हूँ तो एक नोटिस आ गया, एक फैटल एरर आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर एरर्स आएंगे, शो भी कराएगा कहाँ पे किस लाइन पे एरर आ रहा है, वो बल्कि आसान है, पता चल जाएगा क्या गलती कर रहे हैं। ठीक है, अब वो एरर दे रहा है कि ये एक अनडिफाइंड है, डॉक्यूमेंट डॉट रेंट को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। ठीक है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट डॉट रेंट जावास्क्रिप्ट है, सेम कोड है, सिर्फ आपने यहाँ पर इको करना है बस।
ठीक है ना। जावास्क्रिप्ट और इसके अंदर सिर्फ कोड में ये फ़र्क है, अगर आपने प्रिंट कराना है तो यहाँ पे आपने इको कर देना बस। अब देखो रिफ्रेश करोगे तो फर्स्ट कोड को प्रिंट कर देगा, ठीक है। इसी तरह आप अगर कोई एक ओल्ड लाइन अगर आप इसके अंदर प्रिंट कराना चाहते हो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, डबल कोटेशन सेकंड कोड, ठीक है, सेमी कॉलम वैसे ही देना है, या आप ब्रैकेट में भी दे सकते हैं, डबल कोट्स में डायरेक्टली भी दे सकते हैं, तो वो भी आ जाएगा। वही जावास्क्रिप्ट की तरह अगली लाइन में नहीं आया, तो अगली लाइन में लाने के लिए क्या करना है, हमें इसको डबल कोटेशन में, अगर आपने HTML का टैग यूज़ करने हैं तो डबल कोटेशन में प्रिंट करा दो बस, वो टैग्स वो रन हो जाएगा। इसका मतलब HTML हम इसके अंदर ऐसे यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे भी HTML का टैग यूज़ करना है आप यूज़ कर लें। क्लियर हो गया। फिर PHP के लिए अपना नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए क्या है, नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए क्या, जैसे BR करो, BR करना इसका भी, फिर इसको आपने मार्क्स भी वैसे ही लगाने हैं जैसे हम उस पर लगाते थे। अच्छा, अब इसके अंदर वेरिएबल कैसे देना है, जावास्क्रिप्ट में हम वेरिएबल देते थे ऐसे, वेरिएबल नेम कोई भी दे देते थे, ठीक है ना। इसके अंदर आपने वेरिएबल देना है डॉलर साइन के साथ, डॉलर साइन वेरिएबल नेम, ठीक है। लेट से मैं यहाँ पे एक वेरिएबल देता हूँ एक्स, सेम वही जैसे उसमें हमने किया था, एक्स इक्वल्स टू 45। अब मैं चाह रहा हूँ एक्स की वैल्यू को प्रिंट कराऊँ तो क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू सर वो इको, इको करेंगे, इको डबल कोटेशन के अंदर खाली एक्स। अब डबल कोटेशन में नहीं आएगा ना, जैसे जावास्क्रिप्ट में था मैंने बताया था डबल कोटेशन में वेरिएबल डबल कोट्स में नहीं आता, वो स्ट्रिंग थोड़ी है, ठीक है ना, ये एज इट इज़ आएगा, देखें आउटपुट आ जाएगी उसकी, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह अगर आपने एक और वेरिएबल लेते हो वाई इक्वल्स टू 88, इसको डॉलर वाई, अगर मैंने एक ही इको में प्रिंट दोनों कराने हैं तो यहाँ पे क्या होगा, डॉलर वाई कोमा, ठीक है 45 88। अच्छा, इसके अंदर अब एक चीज़ और होती है कि हम जावास्क्रिप्ट में यूज़ करते हैं कंकैटिनेट का, मैं इसको कोमा को ख़त्म कर देता हूँ, एरर आ गया, पार्स एरर। पार्स एरर जब भी आएगा इसका मतलब है ये सिंटैक्स एरर है, आपके सिंटैक्स में गलती कर रहे हैं। सिंटैक्स में ये गलती है कि जावास्क्रिप्ट में हम क्या करते थे, जब दो वेरिएबल को इकट्ठा करते थे तो उनको कंकैटिनेट करते थे, किससे करते थे, प्लस साइन के साथ, प्लस साइन के साथ हम उसको कंकैटिनेट कर देते हैं। अब जब हमने प्लस के साथ कंकैटिनेट किया तो कंकैटिनेट नहीं हुआ, वो तो जमा हो गया, तो कंकैटिनेट करने के लिए इसके अंदर यूज होता है डॉट, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में प्लस यूज होता था, इसके अंदर डॉट यूज होता है। क्लियर हो गया। अब मैं वो बेसिकली जावास्क्रिप्ट के हिसाब से एग्जांपल दे रहा हूँ कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट एट की जगह सिर्फ इको चेंज हुआ है, वेरिएबल में डॉलर साइन पास आ गया और इसके अंदर डॉट आ गया, ये डिफरेंस है, ठीक है। ये सिंटैक्स का इतना डिफरेंस है, बाकी वही चीज़ें होंगी। हाँ, बाकी वही है, वही है, अगर एक दो चीज़ों का अगर और आएगा तो मैं बता देता हूँ। मैंने अब देखो एक इनपुट बॉक्स बनाना है, HTML का होता है इनपुट बॉक्स, लेकिन PHP में बनाना है तो क्या करेंगे, इनपुट टेक्स्ट इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, अब PHP के अंदर अगर आपने, मैंने भी ऊपर बताया कि PHP के अंदर अगर HTML के टैग यूज़ करने हैं तो वो इको कराने हैं, वैसे नहीं होंगे, ठीक है, इको कराओ इसको, डबल कोटेशन के अंदर प्रिंट करा दो, ठीक है। जिस कोड का कलर चेंज नहीं हो रहा इसका मतलब वहाँ पे देर इज समथिंग रॉन्ग, ठीक है। यहाँ पे आपने रन करें एरर 14 लाइन पे एरर दे रहा है, एरर कहाँ पे नज़र आ रहा है, कह रहा है 14 लाइन पे एरर है, ठीक है, यहाँ पे शो भी करा रहा है 14 लाइन पे एरर है, एरर के यहाँ पे इस लाइन में नज़र आ रहा है कोई, सर ये टेक्स्ट एरर है ना, मैंने बताया था जिसका कलर नहीं चेंज होगा इसका मतलब वहाँ पे कोई गलती कर रहे हैं, कलर चेंज नहीं हो रहा, तो गलती क्या है कि इको में अगर आप एक दफ़ा डबल कोटेशन यूज़ कर लेते हैं ना तो दोबारा डबल कोटेशन यूज़ नहीं करते, क्योंकि डबल कोटेशन अगर आपने यहाँ पे यूज़ किया और दोबारा यूज़ कर लिया था ये यहाँ पे बंद हो गया, ठीक है ना, तो यहाँ पे सिंगल कोट्स यूज है, डबल कोटेशन यूज हुई है तो अंदर फिर सिंगल कोट्स चलेंगे। देखो अब वही चीज़ ऐसे लग रहा है जैसे HTML का टेक्स्ट बॉक्स है लेकिन PHP के अंदर हमने बनाया। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो y की वैल्यू 88 है वो इसके अंदर पहले से लिखी है टेक्स्ट बॉक्स में,
हाँ टेक्स्ट बॉक्स में पहले से जो चीज़ लिखी आ रही होती है वो क्या होती है, वैल्यू इक्वल्स टू, जैसे मैं इधर ऐसे कुछ भी लिख देता हूँ तो आपको टेक्स्ट बॉक्स के अंदर शो कराएगा। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर सिर्फ वो वाला वेरिएबल डाल देते हैं, डॉलर वाई, वाई की वैल्यू चाहिए ना, हाँ वेरिएबल के साथ डॉलर जरूर है, वाई लिखेंगे तो वैल्यू में आ जाएगा। क्लियर हो गया, इसमें तो कन्फ्यूजन नहीं है। अच्छा अब यही मैं काम करने लगा हूँ HTML में, जाओ HR लाइन लगा दिया ताकि लाइन के नीचे मेरा HTML का काम स्टार्ट हो जाएगा। मैं इधर करता हूँ इनपुट, इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ ये जो 88 मैंने लिखा हुआ है, जैसे इसमें आ रहा है इसमें भी 88 है, लेकिन ये आप HTML वाला टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है। तो इसके अंदर भी वही चीज़ है, जो चीज़ आप वैल्यू के अंदर दोगे वही आएगी ना। तो यहाँ पे हमने 88 देना, तो क्या करें सर, वही वैल्यू ऊपर वाली, क्या वैल्यू यानी कि ऊपर वाला वेरिएबल ना डॉलर वाई के अंदर पड़ा हुआ ना 88, तो यहाँ पे मैं डॉलर वाई दे देता हूँ, डॉलर वाई के अंदर ही आ रहा है ना। जब मैंने डॉलर वाई दिया तो डॉलर वाई ही आ गया, क्योंकि ये नहीं डबल कोट्स नहीं है, ये HTML का हिस्सा है, PHP का हिस्सा नहीं है। अच्छा। और ये वैल्यू PHP की है, तो जब कैसे पता चलेगा कि PHP है, तो HTML कंसीडर कर रहा है ना इसको। बिल्कुल, अब आपने क्या करना है कि किसी भी HTML पोर्शन में, मैं वो बता रहा हूँ कि HTML के अंदर अगर आपने PHP को यूज़ करना है तो कैसे करना है। अब HTML वाले पोर्शन में अगर आपने PHP की कोई चीज़ यूज़ करनी है तो उस जगह पे PHP को स्टार्ट करना है, PHP को एंड करना है, इको डॉलर वाई, यानी कि सेम PHP का कोड लिखते रहें, तो चल जाएगा, एरर नहीं आएगा, ठीक है। बजाय इसके के यानी कि इस पोर्शन मैंने ये समझा रहा हूँ कि मैंने इस तरीके से जो मैं HTML का टैग इसके अंदर लिख रहा हूँ, मैं HTML वाला काम HTML में ही करता हूँ, हमें डिज़ाइनिंग से HTML करनी पड़ जाती है ना, तो सिर्फ जहाँ पे मुझे PHP चाहिए होगा वहाँ पे PHP का कोड कर देंगे, क्योंकि अगर मुझे HTML वाला कोड PHP पे लिखना पड़ गया तो मुझे मैनुअल सब कुछ लिखना पड़ेगा और इतने इतने ज़्यादा कोड बनाने पड़ जाएंगे। सारा आप डिज़ाइन से कर लो HTML में काम, और जहाँ पे PHP रिक्वायर्ड है वहाँ पे PHP का कोड ऐड कर दो, बस कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई चीज़ डिस्टर्ब नहीं होगी। इसकी एक और एग्जाम्पल देता हूँ, ये क्लियर हो गया वैसे, इफ़ कंडीशन हमने पढ़ी थी उसमें जावास्क्रिप्ट में, इफ़ कह रहा हूँ लूप। मैं चाह रहा हूँ कि जैसे आप देखते हैं ना कि अक्सर कोई फॉर्म्स फिल करो वहाँ पे लिखा होता है डेट ऑफ बर्थ, और उसमें लिखा होता है डे 1 से लेके 31 तक सेलेक्ट बॉक्स में आ रहे होते हैं, उसमें से आप एक सेलेक्ट कर लेते हैं, वो 1 से लेके 31 तक टाइप थोड़ी किए होते हैं, वो लूप चलाया होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर लूप चला रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट का लूप क्या था, फोर का लूप में क्या था, इनिशलाइज कराना है, सेमी कॉलन कंडीशन, सेमी कॉलन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ठीक है। और यहाँ पे हम उसके आउटपुट दे देते थे, तो जो चीज़ हमने जावास्क्रिप्ट में की है वही PHP में कोई फ़र्क नहीं है, सेम यही है। अब मैं चाह रहा हूँ कि 1 से लेके 31 तक चले, तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल देता हूँ डॉलर आई इक्वल्स टू 1, और कंडीशन बता देते हैं डॉलर आई लेस देन इक्वल्स टू 31, इंक्रीमेंट बता देते हैं डॉलर आई प्लस प्लस। कोई फ़र्क नज़र आया सिवाय डॉलर के, जावास्क्रिप्ट में डॉलर नहीं था ना, बाकी तो यही था लूप, ठीक है। और यहाँ पे मैं कह देता हूँ इको डॉलर आई, सर हम डॉलर के साथ आई नहीं लगाया कंडीशन में, इसका ये होता है ना कि जब तक ये 31 से कम रहेगा, ये जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, तो कंडीशन फॉल्स होगी 31 के बाद, जब 32वीं दफ़ा लूप चलने लगेगा वो तो कंडीशन फॉल्स होगी, वहीं पर स्टॉप हो जाएगा, हाँ वही सर वही चीज़ है सारा। अब देखो 1 से लेके 31 तक लूप चल गया, अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मेरा लूप तो चल गया, अब मेरे पास एक सेलेक्ट बॉक्स हो, ये सारा कुछ उसके अंदर आ रहा हो, ठीक है। मैं सेलेक्ट बॉक्स बना लेता हूँ, ये सेलेक्ट बॉक्स आ गया, ठीक है। इसके अंदर को चीज़ें जो आ रही होती हैं वो किस में आ रही होती हैं, ऑप्शन में आ रही होती है ना, ऑप्शन में मैं जो भी लिखूंगा, जैसे ये लिख रहा हूँ तो वो इसकी ऑप्शन आ जाती है, इसका मतलब ऑप्शन वाली जगह पे मैंने ये सारा कुछ देना है,
ठीक है ना। ऑप्शन शुरू में और इंटर के बारे में, हाँ अब क्या करते हैं कि प्रिंट क्या चीज़ हो रही है, ये चीज़ ही प्रिंट करानी है ना, इसको यहाँ पे प्रिंट करवाने के बजाय लूप से बाहर आ जाएगा। हाँ लूप से बाहर आ जाएगा बस। PHP स्टार्ट PHP पूरे कोड कॉपी करके निकाल देंगे। हाँ वो उसके प्रिंट करा के पहले देखते हैं क्या आउटपुट आ रही है। वो 32 आ गए, वही बात आ गई, लूप से बाहर आ गया। ठीक है, होना क्या चाहिए, लूप तो PHP में ही चलना है, ये आगे हमारा HTML का पोर्शन स्टार्ट हो गया। तो हम क्या करते हैं कि लूप को फिर यहाँ पे बंद नहीं करते, याद है वो मैंने सिलेक्ट भी नहीं कराना है, वो तो लूप को यहाँ पे बंद कराने के बजाय मैं इसके बाद बंद कराता हूँ, क्योंकि जब तक ये वाली लूप में नहीं आएगी तो 31 दफ़ा कैसे चलेगी। अब मैंने क्या किया है कि ये PHP का कोड था ना, तो PHP में किया लूप बना लिया और दरमियान में ऑप्शन में प्रिंट करा के और इसको यहाँ पे, अब इस लूप के अंदर जो चीज़ आएगी उसने 31 दफ़ा चल जाना। सर आपने दो दफ़ा PHP का ये कोड लिखा ऊपर भी नीचे, क्योंकि देखो ना यहाँ पे PHP को मुझे इसलिए बंद करना पड़ा कि HTML स्टार्ट हो गया, यहाँ पे मुझे PHP चाहिए था स्टार्ट करके, फिर इसलिए बंद करना पड़ा आगे, फिर HTML स्टार्ट हो गया। सर अगर हमने ये जो सर लूप वाला कोड एज इट इज़ ही हम कॉपी कर देते यहाँ पर, फिर नहीं चलना था एज इट इज़ हम यहाँ पे कॉपी कर, नहीं फिर नहीं चलना था, मैं बताता हूँ। ये देखो अब चला 31 दफ़ा, अब हुआ क्या, वो 31 दफ़ा आया लेकिन 31 दफ़ा सेलेक्ट बॉक्स चल गया। यहाँ पे सेलेक्ट बॉक्स को हमें लूप में नहीं लाना, वही बात आ गई जो आप बता रहे हो। ठीक है, सेलेक्ट बॉक्स को मैं लूप से बाहर ले, कोड हमारा सिर्फ एज इट इज आ गया बिल्कुल। अब चल रहे समझ लग गई, यानी कि ये भी वही एक किस्म की एग्जांपल है कि आपने देखो मुझे PHP 4 दफ़ा ओपन करना पड़ता, 15 दफ़ा ओपन करना पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने HTML को डिस्टर्ब ना करो, सिर्फ PHP का कोड उस जगह पे जाके पेस्ट कर दो, PHP स्टार्ट करो, PHP क्लोज करो, वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो PHP में फिर कोई इशू नहीं आता, वो एज इट इज़ प्रॉपर तरीके से रन हो जाता। क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो बताओ, नहीं है, ओके। अच्छा इसमें मैं फॉर्म्स बना रहा हूँ, ये इतना लेक्चर मैं वैसे एक लेक्चर पढ़ाता हूँ, अब आप लोगों को जल्दी समझ लग रहा है इसलिए मैं लेके जा रहा हूँ। ठीक है, फॉर्म बना रहा हूँ, अब ये ज़रा ध्यान से समझना, ये है वो क्या कहते हैं डाटा ट्रांजैक्शन PHP के थ्रू कैसे करते हैं। बेशक आप डेटाबेस के अंदर डाटा सेंड कर रहे हो या डेटाबेस में नहीं भी सेंड कर रहे हो, डाटा ट्रांजैक्शन करनी है तो दोनों का तरीका एक ही है, फॉर्म्स का डाटा। ठीक है, अब मैंने जैसे एक फॉर्म बनाया और इसके अंदर फॉर्म में मैं कह देता हूँ नेम इनपुट, ये HTML में काम कर रहा हूँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट, इस टेक्स्ट बॉक्स को एक नाम दे देते हैं TXT नेम, और इधर दे देते हैं जेंडर, वो भी आ सकते हैं, सेलेक्ट बॉक्स भी लग सकता है ना जेंडर में, मेल फीमेल सेलेक्ट बॉक्स भी लग सकता है, जो मर्जी लगा लो। अक्षरों में 3 की दी होते हैं, 10 भी दी होते हैं। हाँ क्योंकि जिसकी आउटपुट एक जानी होती है, आउटपुट एक जानी होती है, वहाँ पे सेलेक्ट बॉक्स भी यूज हो जाता है, वहाँ पे आपका वो भी यूज हो जाता है, रेडियो इनपुट टाइप रेडियो मेल फीमेल, इसको एक नाम अभी भी देता हूँ, उसकी वैल्यू से, हाँ वैल्यू आउटपुट वैल्यू जाती है ना। ठीक है, यहाँ पर मैं दे देता हूँ कि पहले की नेम, पहले इनको दे देता हूँ ना, नेम है R1, ठीक है, और इसकी वैल्यू है मेल या M। ठीक है, दूसरे की का नेम है, दूसरे का नाम R1 बिल्कुल, उसका मतलब प्रैक्टिस की हुई आप लोगों ने। ये है, ठीक है, yes। अच्छा अब ये फॉर्म मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ,
मैं चाह रहा हूँ नेम लिखूँ, इसमें से जेंडर सेलेक्ट करूँ, सबमिट करूँ, तो मुझे आउटपुट चाहिए दूसरे पेज पे, ठीक है। इसी तो जिस पेज पे चाहिए, फॉर्म के अंदर प्रॉपर्टी एक है एक्शन, एक्शन के अंदर उस फाइल का नाम देते हैं जिस पे सबमिट होने के बाद जाना है, ठीक है। देखो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, मैं कुछ टाइप नहीं भी करता हूँ, मैं सबमिट करता हूँ, तो देखो रिजल्ट डॉट पी एच पी में चला गया, क्योंकि ऊपर मैंने एक्शन में कहा कि रिजल्ट डॉट पी एच पी में चला गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब का मतलब नया पेज खुल जाए, नहीं एक्शन का मतलब है आपका फॉर्म सबमिट होने के बाद कहाँ पे जाए, इसी पेज पे रहे। अगर आप चाहते हो इसी पेज पे रहे तो एक्शन खाली छोड़ दो, वो इसी पेज पे रहेगा, ठीक है। बार दफ़ा होता है ना आप सबमिट करते हैं तो उसके नीचे ही आंसर आ जाता है या नई पेज पे आता है, तो वो ये है फिर। लेकिन खाली इतना ही, जब आप फॉर्म बेस्ड डाटा ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं तो उसके अंदर एक चीज़ मस्ट देनी होती है, मेथड गेट या पोस्ट। ये वो वेरिएबल्स हैं जो आपका डाटा लेके जाते हैं या लेके आते हैं, या पीछे से कोई आ रहा है तो उसको पिक करते हैं। अब क्या हुआ, अब इस इतने फॉर्म में मैंने ये बताया है कि मेरा जब ये फॉर्म सबमिट हो तो रिजल्ट डॉट पी एच पी में जाए और पोस्ट उसका डाटा पोस्ट लेके जाए, किस में लेके जाए, रिजल्ट डॉट पी एच पी में। अब मैं एक रिजल्ट डॉट पी एच पी बना लेता हूँ, ठीक है। इसको सबमिट किया तो रिजल्ट वाली फाइल में चला गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि मैं इसको फिलअप करूं तो ये डाटा लेके जाए, ठीक है। तो डाटा तो वैसे लेके जा ही रहा है, सबमिट क्यूरी करें तो ठीक है, रिजल्ट डॉट पी एच पी में डाटा ले गया वो, ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे करना क्या है कि पीछे से जब डाटा चला जाता है ना, पोस्ट कर दिया मैंने डाटा, अब जिस फाइल में गया ना इसका मतलब वहाँ पे पोस्ट हुआ है, तो वहाँ पे आपने पोस्ट से ही पिक करना है। अगर आप गेट से भेज रहे हैं तो वहाँ से गेट से ही पिक करना है, ये क्लियर है। पोस्ट से सेंड किया है तो फिर इस फाइल में मैंने डाटा भेज दिया, अब यहाँ पे पिक भी तो करना है ना वो डाटा जो पीछे से आया है, ठीक है। तो पोस्ट से ही पिक करूँगा। पोस्ट और गेट कहाँ कहाँ यूज़ होता है? ये जहाँ पे फॉर्म है वहाँ पे गेट और पोस्ट के बगैर डाटा ट्रांजेक्शन नहीं होती ना, दोनों मैं वही बता रहा हूँ कि प्रेफर कौन सा किसको करना है। अभी फिलहाल देखें कि पोस्ट मैंने किया तो मैंने पोस्ट से पिक करना है। लेट से पहले टेक्स्ट बॉक्स का डाटा पिक करता हूँ, पहले टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है, टी एक्स टी नेम, तो यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पे पिक करने के लिए क्या करना है, पोस्ट से आ रहा है तो यहाँ पे आप लिखें डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, ठीक है। किसका डाटा पिक करना है, टी एक्स टी नेम का, पीछे से टी एक्स टी नेम का डाटा आया और यहाँ पे मैंने टी एक्स टी नेम के डाटा को पोस्ट से पिक कर लिया, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसको मैं प्रिंट भी करा देता हूँ, इसको मैं एक वेरिएबल में रखवा लेता हूँ डॉलर नेम, और यहाँ पे कह देते हैं इको डॉलर नेम, पीछे से पोस्ट हुआ आगे से मैंने पिक कर लिया, एक वेरिएबल में रखवा के प्रिंट करा लिया, इसमें कोई कन्फ्यूजन, अली सबमिट, अली आ गया, ठीक है। या जो भी आप इधर टेक्स्ट लिखेंगे सबमिट करेंगे वो आ गया। यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो, कंकैटिनेट के लिए डॉट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सबमिट करें तो माय नेम इज अली, ये क्लियर हो गया। पीछे से डाटा पोस्ट हुआ आगे से मैंने पोस्ट, अच्छा इस चीज़ को एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि डाटा मैं जिस तरीके से यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ ना, मैं जब डाटाबेस करूँगा तब भी यही तरीका होगा, फ़र्क नहीं होगा। टेक्स्ट बॉक्स का डाटा आपने डॉलर पोस्ट से ही पिक करना है या डॉलर गेट से ही पिक करना है, क्लियर हो गया। अच्छा, मैंने दूसरा डाटा पिक करना है तो दूसरा टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है, आर वन नाम है इनका, रेडियो बटन का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डॉलर अंडर स्कोर पोस्ट, यहाँ पर क्या आएगा, आर वन, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं इसको एक वेरिएबल में रखवा लो तो आसान है, वैसे तो इसके बगैर भी कर सकते हैं। यहाँ पे आके मैं कर सकती
डॉलर जेंटर ठीक है। अब देख नाम मेल सेलेक्ट किया सबमिट क्यूरी। अब मेल ये वो वाला मेल आया जो मैंने उसकी वैल्यू दी थी ठीक है ना, ये देखो ना कैपिटल एम आ रहा है, अगर मैं वैल्यू ना देता तो फिर वो शायद स्मॉल एल एम में दे देता ठीक है ना, जो मैंने वैल्यू दी है आंसर वही आता है ठीक हो गया। ओके ये भी क्लियर हो गया कि मैंने एक डाटा सेंड किया और डाटा को मैंने वहाँ से रिसीव भी कर लिया ठीक है। अब पोस्ट के साथ सेंड किया, पोस्ट के साथ रिसीव किया। अब देखना मैं जब इसको सबमिट क्यूरी करूँगा तो ऊपर देखो क्या लिखा नज़र आ रहा है, रिजल्ट डॉट पी एच पी में चला जाए, आगे तो कुछ नहीं लिखा हो ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाके कर रहा हूँ मेथड चेंज, गेट गेट से जाए, हाँ वहाँ पे भी करते हैं, मैं इसको फीमेल कर देता हूँ सबमिट क्यूरी। एरर आ गया, एरर क्यों आया, क्योंकि मैंने गेट से सेंड किया है तो अब वो इन मैंने पी एच पी रिजल्ट और पी एच पी में टी एक्स टी में टी एक्स टी आर वन किया हुआ ना, तो उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहा पीछे से क्या वेरिएबल आया, तो उसने उसको नोटिस दे दिया ठीक है। तो क्या करेंगे कि मैंने जब गेट से किया है तो फिर मुझे यहाँ पे भी गेट से ही पिक करना है, गेट और पोस्ट मेथड दोनों एक ही काम कर रहे हैं ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाके इधर सबमिट करता हूँ तो उसने उसको गेट कर लिया ठीक। अब डिफरेंस क्या है, दोनों का काम एक ही है, लेकिन गेट में देखो ऊपर क्या लिखा आ रहा है, टी एक्स नेम इक्वल्स जो भी मैंने टाइप किया है, आर वन में जो भी टाइप किया है, इस तरह मैं जितना भी फॉर्म फिल करूँगा इवन के पासवर्ड भी दूंगा तो ऊपर लिखा आ जाएगा, तो सिक्योरिटी का इशू आ गया, सिक्योरिटी प्रॉब्लम आ गई। इसका मतलब है कि गेट में सिक्योरिटी इशू होता है थोड़ा सा ठीक है। पोस्ट आपका डाटा शो नहीं करता, अब क्यों नहीं शो करवा रहा, उसकी रीज़न क्या है कि गेट क्या करता है कि एक ट्रांजैक्शन जो होती है ना एक वक्त में वो 1024 करेक्टर्स सेंड करता है, एक वक्त में 1024 करेक्टर्स का डाटा सेंड करता है और उसी की ट्रांजैक्शन कराता है। पोस्ट क्या करता है कि वो भी डाटा ट्रांजैक्शन करता है लेकिन वो 1024 करेक्टर्स के पैकेट्स सेंड करता है और वो मल्टीपल होते हैं, तो इसका मतलब है पोस्ट ज़्यादा डाटा की ट्रांजैक्शन करता है। इसका मतलब है पोस्ट अगर ज़्यादा डाटा की ट्रांजैक्शन करता है तो उसकी स्पीड भी तेज़ है। और दूसरी चीज़ है कि गेट यहाँ पे क्यों शो करवा रहा है, क्योंकि ये करेक्टर सेंड कर रहा है, पोस्ट क्यों नहीं शो करवा रहा, वो करेक्टर्स के पैकेट्स सेंड कर रहा है, पैकेट्स का डाटा तो नज़र नहीं आता। क्लियर हो गया, एक ये डिफरेंस। इसका मतलब बेटर क्या हुआ, पोस्ट बेटर हुआ, और पोस्ट जो है न्यू मेथड है। लेकिन अब ये नहीं कि गेट हम यूज़ ही नहीं करते, गेट भी हमें बार दफ़ा यूज़ करना पड़ता है। अब गेट कहाँ पे यूज़ करना पड़ सकता है, आईडी देखने के लिए भी होता है कि जैसे लेट से मैं पीछे से पोस्ट से डाटा सेंड कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे एग्जांपल है सेंड कर दिया पोस्ट से, आगे आंसर नहीं आ रहा, मैंने पीछे से सेंड कर दिया आगे आंसर नहीं आ रहा, इसका मतलब है या तो मेरी पहली फाइल में गलती है या इस फाइल में गलती है। तो फिर हम गेट में करके देखते हैं, अगर तो प्रीवियस फाइल में गलती है तो ऊपर एरर शो करा देगा, अगर सही है तो ऊपर डाटा शो करा देगा। तो ये कंफर्मेशन हो जाती है कि पिछली फाइल में गलती नहीं आ गई है, तो वो चेक करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा एक और होता है कि अगर आप ये तो मैंने फॉर्म के थ्रू डाटा ट्रांजैक्शन किया ना, आगे जाके हमें लिंक्स के थ्रू भी करनी होती है, वो फॉर्म तो नहीं होता ठीक है, तो जो लिंक्स के थ्रू डाटा ट्रांजैक्शन होती है वो होती ही गेट से, वो पोस्ट से नहीं होती, वो बाय डिफ़ॉल्ट ही गेट से होती है। ये आगे जाके करके भी थोड़ा चीज़ों को जेब में रखना, तो डाटा ट्रांजैक्शन जहाँ पे होगी वो इसके थ्रू ही करते हैं। अब यही हम ये भी कर सकते हैं कि मुझे मैं जब फॉर्म फिल करता हूँ तो यही रिज़ल्ट मुझे नीचे चाहिए, आगे अगले पेज पे नहीं चाहिए, तो आप ये कर दें, ये वाला सारा कोड उठाओ, कोड में कोई चेंज नहीं करना, नीचे दे दो और ऊपर एक्शन खाली कर दो, खाली कर दोगे क्या मतलब है इसी पेज पे रहेगा आउटपुट इसकी। अब देखो रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे पहले से लिखा आ रहा है, मैं कुछ इधर देखता हूँ और मेल सेलेक्ट करता हूँ तो वो यूज़र नीचे ले दे ठीक है, तो वो उधर ले जाओ इधर ले जाओ फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ मैंने एग्जांपल दी थी कि सेपरेट पेज पे जाने का तरीका क्या। तो गेट पोस्ट से हम डाटा ट्रांजैक्शन इस तरीके से करा सकते हैं। क्लियर हो गया, अब आप लोगों की एक असाइनमेंट आपको देता हूँ, आपने क्या करना है ये प्रैक्टिस के लिए ताकि इसका पता चल जाए, आपने एक फॉर्म ही बनाना है, लेकिन उस फॉर्म में वो जो मैंने अभी लूप नहीं पढ़ाया, आपने वो डेट ऑफ बर्थ का लूप बना लेना है और उस लूप का डाटा यानी कि डेट ऑफ जब आप सेलेक्ट करो तो आगे डेट ऑफ बर्थ प्रॉपर लिखी है, वो सेलेक्ट बॉक्सेस में से सेलेक्ट करोगे ना तो वो डेट ऑफ बर्थ आ गया है, जैसे ये आंसर आ रहा है ना ऐसे फॉर्म का आंसर भी आए और इसकी एक डेट भी आए कि आप इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है,
और वो डेट ऑफ बर्थ इस तरह होगी, जैसे मंथ सेलेक्ट कर लिया, फिर इससे आगे जन क्या कहते हैं डे सेलेक्ट कर लिए, मंथ सेलेक्ट कर लिए, ईयर सेलेक्ट कर लिए, यहाँ पे तीनों का आंसर आ जाएगा। समझ लग गई है, जैसे फॉर्म्स में होता है, ठीक है ना। तो ये एक असाइनमेंट कर लो और एक जो मैंने प्रोजेक्ट दिया वो कर लो।